जी न्यूज पोर्टल को दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि प्राइवेट बस स्टैंड पर एक टेम्पू वाले ने एक महिला को टक्कर मार दी और जिससे वो घायल है। और सबसे बड़ी बात, टेम्पू वाला उसे बैठा कर घायल महिला को लेके आया है। और गंगापुर श्री के राजकीय चिकित्सालय में उसको भर्ती कराया। टेम्पो की टक्कर लगने से महिला घायल हुई है, उसे राष्ट्रीय चिकित्सालय में लाया गया है। क्या नाम है मिला का जो घायल हुई है? मेरा नाम है इनका, वो टेम्पू वाले की गलती थी। मेरा नाम है, हम मारा गांव से आ रहे थे और बयाना के लिए जा रहे थे। टेम्पू वाले की गलती थी, सवारी के चक्कर लेने में चक्कर में, और हम टेम्पू में चढ़ रहे थे जब तक, तो इसने सवारी बैठाने के चक्कर में गाड़ी ठोक दी। एक बच्चा और है मेरा छोटा सा, उसकी भी खोपड़ी में चोट है अभी, तो भारी है। और हमारे बैग वगैरह सब चले गए वहाँ से, कुछ सामान भी नहीं बचा हमारा। किसी की घटना है? दूसरे टेम्पो में बैग, यहाँ ये बस स्टैंड की घटना है साहब। प्राइवेट बस स्टैंड की? हाँ, नहीं, रोडवेज, सरकारी रोडवेज स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड की। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? मेरा नाम शिशपाल है, मैं मरीज का देवर हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? बयाना तहसील फरसो गांव के रहने वाले हैं हम सब। मरीज के क्या नाम है? मीरा। कितनी उम्र? 40 साल। पिता पति का नाम क्या है? अतर सिंह। टक्कर किससे लगी है? टेम्पो से। टेम्पू चालक ने तेज जल्दी में सवारी जा रहे थे, रेलवे स्टेशन जा रहे थे, अभी दूसरे टेम्पू में बैठे रहे थे, ये सवारी के चक्कर में ठोका इसने गाड़ी। सवारी के चक्कर में गाड़ी रुकी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझसे बात बात नहीं कर रहे हैं। अरे मना हो जाएगी तो फिर और तो बिल्कुल धीरे गिरा मैं और तो एकदम चालक है उसने बोला है और भी गाड़ी ठोक देता साहब। गंगापुर के राजकीय चिकित्सालय में चल